आज हम फिर जा रहे हैं और पुराना नया सफर शुरू कर लिया काम का। और परवेश भी आज साथ में है, अवेश हैं, समीर हैं। आज हम जा रहे हैं बचपन में देखे थे, अभी फिर से आज देख रहे हैं। गाइस गाइस अभी हम जा रहे हैं अजीम की दुकान पे और जो फर्नीचर के बारे में हमने आगे वीडियो में आज उसी के बारे में फर्नीचर करेंगे हम लोग। गाइस गाइस जिस फर्नीचर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी तकरीबन एक हफ्ता हो गया वो वीडियो में, एक हफ्ता हो गया और वो फर्नीचर अभी मुकम्मल तैयार हो गया है और अभी इसके हम लोगों ने लाठी करना शुरू कर दिया है। और ये बेड है, बेड में लाठी हो रही है और लाठी कटाई कर रहा है मिट्टू। और यहाँ पे अभी ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कल हम इसको स्टैंड वगैरह मारेंगे। यहाँ पे अवेश भी काम कर रहे हैं, ये आप फर्नीचर देख रहे हो, होक पलाई की फर्नीचर है, अजीम की बहन की है। इंशाल्लाह अजीम की भी शादी है 23-24 तारीख को और बड़े धूम धड़क्के के साथ अजीम की शादी है। गाइस वेलकम, गाइस अभी हम आए हैं, हमारा दोस्त है फौजी, रिटायर फौजी और याकूब शर और जो शौकीन है उसके पास आ जा रहे हैं। अभी अजीम के पास बैठे हुए थे, वहाँ से फिर अजीम का मोटर है लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। ये परवेश और अवेश भी मेरे साथ हैं, अभी याकूब आएंगे इंशाल्लाह, आपको हम मिलाएंगे याकूब से और बैठे हुए अभी देखते हैं अभी कहाँ पे जाएंगे। याकूब शर जो हमारे दोस्त हैं इसके आज हम डेरे पे आए हुए हैं। याकूब शर जो रिटायर फौजी हैं, शौकीन हैं मुर्गों के। आज परवेज गिचकी के चैनल के लिए हम यहाँ से वीडियो बनाने आए थे। परवेज ने बोला कि कहीं दोस्त के किसी के पास चलना, फिर मैं खिपरो आया था, फिर मैंने बोला वहाँ पे मेरा एक दोस्त है फौजी रिटायर शर याकूब, उसी के पास जाएंगे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। याकूब जो खैर है, तैयार है, फर्स्ट क्लास। वेलकम गाइस, गाइस आज हम तकरीबन 2-2.5 बजे आए थे काम से, खिपरो गए थे काम देखने के लिए और समीर को वहाँ पे काम पे लगा दिया। अवेश की तबीयत ही ख़राब हो गई और अवेश ने बुखार में शरबत पी ली और कांपने लग गया। अब देखते हैं अवेश का जाके तबीयत, देखते हैं हाल अहवाल पूछ सकते हैं अवेश का क्या हाल अहवाल हो गया। अभी हम अवेश की तरफ। वेलकम गाइस, गाइस अभी हम जा रहे हैं खिपरो और खिपरो से जाए और मैं जाऊँगा अपने काम पर और परवेज जा रहे हैं कराची। परवेज दे खबर, खपरों से कराची जा रहे हो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह कराची जाएंगे तो कराची के बाद फिर आपसे रब्ता हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा वो मैंने एक चीज़ का कहा था, उसका क्या करोगे? हाँ वो कल परसों मैं जाऊँगा, पहुँचूँगा सदर बाजार में फिर आपके लिए मेक लूँगा। गाइस बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि आपके जो व्लॉग हैं व्लॉग में आपका आवाज़ साफ नहीं आ रहा है। ये परवेज साहब की मेहरबानी है जो कराची जाएंगे और सदर से हमारे लिए मैक लेंगे, तकलीफ़ करेंगे और इंशाल्लाह मैक आएगा। जब मैक आने के बाद जो हमारे जो आवाज़ हैं वो व्लॉग के वो बिल्कुल साफ नज़र आएँगे। ये परवेज़ की मेहरबानी, जो परवेज आया था मुझे कहा यार मैक लगाओ, मैक लगाने से आवाज़ आपकी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि परवेज का खुद के पास मैक है, वो मैक मैंने देखे, मैंने बोला मेरे को कहा मैंने सदर से लिए इंशाल्लाह। परवेज ये मैक इंशाल्लाह एक दो दिन में भिजवाओगे इंशाल्लाह, जो पहुँचूँगा कल परसों में लूँगा, अगर कोई बंदा आ जाए मैं आपको इसके हवाले करूँगा, वो मैं आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी परवेज जाएंगे इंशाल्लाह और परवेज को हम बस कराची वाले बस पे रवाना करेंगे, आपको वो भी मंजर दिखाएंगे और आप वीडियो को देखते जाओ आगे, देखते हैं क्या क्या होता है जो हमारे रेगुलर मामूल मामूल के हिसाब से जो होता है वो हम आपको दिखाएँगे।